रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। संविदा बिजली कर्मचारी आज जो हड़ताल करने वाले हैं, जी हां, नियमितीकरण नहीं किए जाने का विरोध उनका लगातार जारी है। संविदा कर्मी पहले भी हड़ताल कर चुके हैं। आम सभा कर पावर कंपनी का घेराव किया जाएगा। वहीं संघ का ऐलान, मांग पूरी होने तक नहीं, या जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक इनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। तो संविदा बिजली कर्मचारी आज जो हड़ताल करने वाले हैं, रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नियमितीकरण नहीं किए जाने का विरोध लगातार ये कर रहे हैं। संविदा कर्मी पहले भी हड़ताल कर चुके हैं। आम सभा कर पावर कंपनी का घेराव करेंगे ये संविदा कर्मी। ग्वालियर क्षेत्र के, उसमें अधीक्षण यंत्री और कार्यपालन यंत्री अपने विवेकानुसार वहाँ की यदि सप्लाई खराब हुई है तो उसको रिस्टोर करने में इसको कार्य बहिष्कार को एग्जम्प्ट रखा गया है। उसको कार्य को पूरा करें क्योंकि ये मानवता का काम है। अतः सभी से ये अनुरोध है, सभी जिला संयोजक, क्षेत्रीय संयोजक, कंपनी संयोजक, कि कल के कार्य बहिष्कार को पूर्ण। वहीं संविदा बिजली कर्मचारी आज से हड़ताल करने वाले हैं। जी हां, नियमितीकरण नहीं किए जाने का विरोध करेंगे ये संविदा कर्मचारी। वहीं संविदा कर्मी पहले भी हड़ताल कर चुके हैं, इनका आंदोलन पहले भी जारी रह चुका है। आम सभा करके पावर कंपनी का घेराव करेंगे संविदा कर्मी। वहीं संघ ने ऐलान किया है कि मांग जब तक पूरी नहीं होती है तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी सुप्रिया पांडे जुड़ गई हैं। सुप्रिया, संविदा कर्मी आज हड़ताल करने वाले हैं, क्या जानकारी इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, संविदा बिजली कर्मी आज से हड़ताल करेंगे। इनकी मांग है कि आश्वासन के बाद भी इनका नियमितीकरण नहीं किया गया है। पावर कंपनी के संविदा कर्मचारी पहले भी हड़ताल कर चुके हैं लेकिन उनकी मांगे नहीं सुनी गई थी। उनकी जो मांगे हैं वो ये है कि जो नियमितीकरण है वो हो जाए। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो बिजली कर्मी है वो काफी ज्यादा रिस्क में लेकर अपनी जॉब को करते हैं और ऐसे में उनका जो नियमितीकरण नहीं हो रहा है, काफी लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और काफी कम सैलरी भी उन्हें प्रदान की जाती है, ऐसा बिजली संविदा कर्मियों का आरोप है। और 11 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास के घेराव की रणनीति जो है वो भी बनाई जा रही है। जी सुप्रिया, ये भी जानकारी दीजिए, चूंकि ये पहले भी हड़ताल कर चुके हैं, जैसा कि आपने कहा कि इनको आश्वासन दिया गया और उसके बाद इनकी मांगे नहीं मानी गई, क्या आश्वासन पहले दिया गया था? जी देखिए, इनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था और कहा गया था कि थोड़े समय बाद इनका नियमितीकरण हो जाएगा, या तमाम जो आश्वासन है वो भी इन्हें दिए गए थे, जिसे लेकर के बिजली कर्मियों में एक संतुष्टि नजर आ रही थी। लेकिन अभी एक बार फिर से वो उग्र हो चुके हैं और बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि उनकी मांगे है कि जिस तरीके से यहाँ पर उनका नियमितीकरण किया जाए, उनको काफी कम सैलरी में उन्हें रखा गया है, काफी कर्मचारियों की मौत हो गई है, मौत होने के बाद भी किसी के परिवार को मुआवजा नहीं दिया गया है, तो ये उनकी मांग है कि काम करने के दौरान जिनकी मौत हो जाती है तो उनके परिवारजनों को कम से कम मुआवजा की राशि प्रदान की जाए। इसके अलावा बिजली कर्मियों का ये भी आरोप है कि उन्हें काफी कम तनख्वाह पर रखा गया है और काफी समय से रखा गया है, काफी समय से वो कार्यरत है, तो इस वजह से उनकी मांग है कि नियमितीकरण जल्द से जल्द हो, जिसकी वजह से फिर वो उन्हें राहत मिले। जी सुप्रिया, पावर कंपनी का भी आज घेराव ये लोग करने वाले हैं, कितने बजे इन्होंने ये रणनीति बनाई है, कितने बजे का कार्यक्रम इनका रहने वाला है आज का? जी देखिए, अगर रणनीति की बात करें तो ये कार्यक्रम दोपहर 12 या 1 बजे के बीच में हो सकता है, क्योंकि बिजली संविदा कर्मी जो है पूरे प्रदेश भर से इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होने में समय लगेगा, इसलिए थोड़ा सा जिनको कार्यक्रम है वो थोड़ा लेट होगा, लेकिन प्रदर्शन भी करेंगे और पावर कंपनी का घेराव भी करेंगे। जी साथ ही साथ ये भी बताइए कि चूंकि ये बिजली कर्मचारी हैं तो बिजली व्यवस्था क्या ठप रह सकती है? जी बिजली व्यवस्था की बात करें तो बिजली व्यवस्था ठप नहीं रह सकती, क्योंकि ये जो बिजली कर्मचारी है वो संविदा कर्मचारी है और बिजली व्यवस्था की बात करें तो बिजली व्यवस्था इस दौरान ठप नहीं रह सकती, क्योंकि ये अपने काम में जो है काम का बहिष्कार करके पावर कंपनी का घेराव करेंगे और इस दौरान काम प्रभावित जरूर होगा लेकिन बिजली व्यवस्था ठप नहीं हो सकती है। जी चलिए सुप्रिया, नजर बना के रखिएगा आप फिलहाल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो संघ ने ऐलान किया है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक संविदा बिजली कर्मचारी हड़ताल करेंगे।